दोस्तों, मैंने पिछले साल भी कूलर बोर्ड के वायरिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने न्यूट्रल और फेज के तार के बारे में ठीक से नहीं समझाया था। तो उस वीडियो में बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोटर का कौन सा तार न्यूट्रल का है और कौन सा तार फेज का है। तो आज के मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कूलर के बोर्ड का वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में एक तार लगाकर शॉर्ट करना होगा। तो देखिए, मैं इन दोनों पिन को शॉर्ट कर देता हूं एक तार की सहायता से। आप चाहें तो स्विच के ऊपर वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैं स्विच के दोनों नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत से लोग यह कमेंट करते हैं कि हमें यहां पर कौन से रंग का तार लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि तार के कलर से कुछ नहीं होता है, तार का कलर सिर्फ पहचान के लिए ही होता है। तो आप किसी भी रंग का तार इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देना है। आप नीचे वाले पिन के जगह पर दोनों ऊपर वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं, सेम ही काम करेगा स्विच हमारा। देखिए, मैंने दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अब हमें इसके पिन को अच्छे से कस लेना है। यहाँ पर पिन को लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है दोस्तों। अब हमें इन दोनों स्विच में कूलर के तार का कनेक्शन करना है। ये देखिए दोस्तों, इस केबल का जो दो तार है वह दोनों तार सप्लाई का है। इसमें का नीला तार न्यूट्रल का है और लाल तार फेज का है। इस केबल के दोनों तार में बाहर से न्यूट्रल और फेज का सप्लाई आएगा दोस्तों। अब देखिए, इसमें का जो कूलर फैन मोटर का तार है वह कौन सा है। तो ये नीला और लाल तार जो है ये दोनों कूलर फैन मोटर का है और ये दोनों पानी के मोटर का है। इसमें से आप किसी भी तार को न्यूट्रल और किसी भी तार को फेज मान सकते हैं। मोटर के तार में न्यूट्रल और फेज का झमेला नहीं होता है, तो आप किसी भी तार को न्यूट्रल और फेज मान सकते हैं। तो मैं इस नीला वाला तार को न्यूट्रल मान लेता हूँ और इसमें के इस हरा वाला तार को न्यूट्रल मान लेता हूँ। और इन दोनों तार को हमें सप्लाई के न्यूट्रल वाले तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है दोस्तों, जो सप्लाई का न्यूट्रल वाला तार है उसी तार को इन दोनों तार के साथ हमें ज्वाइंट करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से तीनों तार को हमें अच्छे से ज्वाइंट करना है और इसमें टेप लगा देना है। मैं इसमें अभी टेप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए, हमारे पास तीन तार बच गया है। तो जो सप्लाई का फेज वाला तार है उस तार को हमें स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। हमने स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट किया है तो हमें इस तार को स्विच के नीचे में ही लगाना है। अगर हम ऊपर वाले स्विच को शॉर्ट किए रहते तो इस तार का कनेक्शन हम ऊपर वाले पिन में करते। देखिए दोस्तों, इस तार की मदद से दोनों स्विच को फेज का सप्लाई मिल जाएगा। तो आप इसे किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास दोनों मोटर का एक एक तार बचा हुआ है। तो इन दोनों तार को हमें एक एक स्विच में कनेक्शन करना है। आप किसी भी स्विच में किसी भी तार का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं दोनों मोटर के तार को स्विच में कनेक्शन कर लेता हूँ। यह फैन मोटर का तार है दोस्तों, तो मैं इसे इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। आप चाहे तो इस तार को दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप जिस वाले स्विच से जिस मोटर के तार का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उस मोटर को ऑन ऑफ करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने फैन मोटर के तार को इस वाले स्विच में लगा दिया। अब मैं दूसरे स्विच में पानी मोटर के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए, इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें पानी मोटर के तार को लगा देना है और अच्छे से कस लेना है। बस इतना ही कनेक्शन करना होता है दोस्तों कूलर के बोर्ड में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।